हेलो बच्चों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि 11 मार्च को कक्षा 10वीं का पेपर, और वो भी किस विषय का? गणित। ठीक है, जिस पेपर का बच्चों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है वह पेपर बहुत जल्द होने वाला है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल द्वारा भेजे गए हैं। ठीक है, ये लिखा क्या है? अभ्यास हेतु सैंपल प्रश्न पत्र 2022-23। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि शिक्षा मंडल ने भेजे हैं। ठीक है, इसके सबसे पहले प्रश्न में देखो, पूरा दिया है क्वेश्चन पत्र। क्या दिया है? प्रश्न पत्र दिया है। ये सही विकल्प क्या दिए हैं? ये सही विकल्प। ठीक है, सही विकल्प में ये पहला सही विकल्प। ठीक है, ये पूरे सही विकल्प जितने भी हम दिखा रहे हैं, पहला सही विकल्प, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सही विकल्प आप देख लेना। मैं हल नहीं बताऊंगा आपको, इन सभी के हल ढूंढ कर लिख लेना है और अच्छे से आप लोगों को समझ लेनी है इस चीज को। ठीक है, ये थे आपके सही विकल्प। इसके बाद क्या आता है आपका? देखिए, इसके बाद सही विकल्पों के बाद आता है खालिस्तान। क्या आता है? खालिस्तान। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है? ये प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इन सभी खालिस्तानों को, बहुत महत्वपूर्ण है, इन सभी को अच्छे से देख लेना। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक तीन। प्रश्न क्रमांक तीन पर क्या आता है? सही जोड़ियाँ। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सही जोड़ियाँ हैं और अध्याय आठ से तो सही जोड़ियाँ आती ही हैं 100%। ठीक है, यदि आपको गणित में बहुत अच्छे अंक लाने हैं तो गणित के जितने भी सूत्र होते हैं आठ अध्याय के ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटिव, उन सभी सूत्रों को अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपसे सही जोड़ियाँ बन जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है पांच, चौथा प्रश्न क्या है आपका? चौथा प्रश्न है प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य। क्या है ये? एक वाक्य। ठीक है, इन्हें भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद आता है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? सत्य असत्य। तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना, सभी को सत्य असत्य चाहिए अच्छे से तैयार कर लेना, और जितना हो सके तो बुक से पढ़िएगा, बुक के उदाहरण बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक छठवा। प्रश्न क्रमांक छठवा देखिए, ये अध्याय एक का ही प्रश्न है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा आप प्रश्न इनको, छठवा। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक कौन सा? सातवा। प्रश्न क्रमांक सातवा क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका अथवा क्या है? व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 × 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 भाज्य संख्या है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप अच्छे से कर लेना। इसके बाद क्या आता है प्रश्न क्रमांक आठ का? प्रश्न क्रमांक आता है आठवा। क्या आता है प्रश्न क्रमांक आठवा? क्या है? द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, या फिर इसके अथवा में हमें बताना पड़ता है ये चित्र वाला, ये तो हम बताए ही थे, ये शून्य ज्ञात करना है इनमें। क्या ज्ञात करना है इनकी? शून्य। ठीक है, अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक नौवा। कौन सा प्रश्न क्रमांक नौवा? तो प्रश्न क्रमांक नौवा ये अध्याय दो से, तो इन्हें भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसका अथवा जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, द्विघात बहुपद 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक दसवां। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक दसवां क्या? अध्याय तीन से आया है। यहाँ पर बीजगणित व्यंजक भी लिखना है, और दूसरी बात हमें उस समीकरण के लिए एक जो रेखा चित्र होता है ना, उसमें निर्देशांक ज्यामिति में दर्शाना होता है, उसे दर्शाना भी है चतुर्थांश में। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक ग्यारहवां। ठीक है, प्रश्न क्रमांक ग्यारहवां क्या है? द्विघात समीकरण, इसमें के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और इसके बाद जांच भी करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसका अथवा का, दोनों ही महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि ये इसी साल का सैंपल पेपर है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक बारहवां। बारहवां क्या है? प्रश्न क्रमांक बारहवां है एपी। एपी यानी समांतर श्रेणी। तो ये एपी दिया है, इसका आठवां पद ज्ञात करना है। इसके अथवा भी सेम हुई है, इसका 78वां पद ज्ञात करना है। अथवा का बहुत ज़्यादा आईएमपी रहता है। ठीक है, और अध्याय पाँच का जो उदाहरण है 78वां, ये उसी का उदाहरण का। ठीक है, तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12, 13। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 क्या है? देखिए, प्रश्न क्रमांक 13 है ये त्रिभुज वाले चैप्टर से। किस वाले चैप्टर से? त्रिभुज। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अथवे भी है, दो त्रिभुज सर्वांगसम समरूपता के लिए आवश्यक शर्तें लिखी। तो शर्तें अध्याय 6 में ही हैं। ठीक है, तो अध्याय 6 को बहुत अच्छे से उनकी शर्तें पढ़ लेना कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। इसके बाद क्या आता है? ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 में क्या है? ये निर्देशांक रेखाखंड अनुपात ज्ञात करना, ये अध्याय 7 का है। ठीक है, ये अध्याय 7 के हैं दोनों ही, इसका अथवा वाला ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। वाई का वह मान ज्ञात कीजिए वाई के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 में क्या है? साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए के मान परिकलित कीजिए। तो ये है अध्याय 8 का
यानी त्रिकोणमिति का, इसमें मान ज्ञात करनी है। और इसके बाद तो ये वाला है ही है, तो हमें इसके लिए क्या ज्ञात होना चाहिए, साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट के, साइन जीरो, पूरे मान 90 तक जितने मान होते हैं सभी याद होने चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद आता है अध्याय 16, तो ये वाला तो पता ही है, अध्याय क्या है ये वाला, जो 15 अध्याय है प्रायिकता उसका अथवी का है ये, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा वाला, ठीक है। इसके बाद ये पांसी वाला भी, साम और बेसम हमने बताया ही था, ठीक है, क्योंकि एक पांसी में कितने अंक होते हैं 6, जिनमें कि 3 सम 3 बेसम। इसके बाद ये वाला 17 वाला भी, ये वाला भी उसी का है प्रायिकता का, ठीक है, तो इन्हें आप बहुत अच्छे शेयर कर लेना। परिक्रमक 18वां क्या है ये वाला, देखिए ये अध्याय 9 का है जिसका नाम है त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग, ये उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, तो 18वीं तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18वीं का अथवा, ये देखो अथवा जो है आंधी वाला, ये तो बहुत ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना। अब आता है प्रश्न क्रमांक 19वां, प्रश्न क्रमांक 19वां ये, ठीक है, ये वाला 6 अध्याय का है, ठीक है। इसके बाद आता है 20वां, तो 20वां ये 12 अध्याय का है, ठीक है। ये देखो ये वाला आता ही है भोजा, इसके छोटे छोटे 4 अर्धवृत्त बने होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक कौन सा आता है 21वां, तो ये कौन सा है पता है आपको, ये विधि प्रतिस्थापन अवलोकन, यहाँ कुछ नहीं लिखा, इन सभी को चेंज करके हम प्रतिस्थापन अवलोकन दोनों में से जो बनती है उससे कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक ये अथवा इसी का, ठीक है, 21वीं का अथवा 2 अंकों से इसका, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये पूरे ही पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद 22वां प्रश्न क्या है, खिलौने वाला है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23वां है, इसमें पूरी क्या है, सांख्यिकी है, ये सांख्यिकी से रिलेटेड चैप्टर का ही था, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या थे ये आपके पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, क्योंकि ये इसी साल का सैंपल पेपर है, आप ध्यान से देख सकते हैं छात्र, ठीक है, ये इसी साल का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस पार्ट में आज के लिए इतने ही, हमने इस पार्ट में सैंपल पेपर से महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।